जब भी किसी मुल्क में टैक्स नाफिज किया जाता है तो जाहिर है नेचुरली जो भी टैक्स दे रहा होगा वो चाहेगा कि उससे कम से कम टैक्स लिया जाए। टैक्स देने की टैक्स कम देने की कोशिश करने के लिए दो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं। एक तो अवॉइड किया जाए, टैक्स अवॉइडेंस, या फिर इवेड कर लिया जाए, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस तो ये है कि वो लीगल रास्ते इख्तियार किए जाएं जिनके ज़रिए से आपको टैक्स कम देना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा कि बिजली के एक मीटर पे 100 यूनिट पे जो है वो सर्टेन टैक्स लगता है जो कि 10% है मिसाल के तौर पे, लेकिन 300 यूनिट पे जो है वो 30% पर यूनिट टैक्स लगने लगता है। तो आपने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि 2 मीटर लगा लेता हूँ, मेरी कंजम्पशन 300 यूनिट है तो मैं 150 यूनिट एक मीटर पे कंज्यूम करूँगा, 150 यूनिट दूसरे मीटर पे कंज्यूम करूँगा, यूँ मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो होगा 30%, 300 ही, लेकिन अब 10% 10% से टैक्स कटेगा तो ये टोटल हो जाएगा आपका 30 रुपीज़, जबकि यहाँ 300 से 300 पे 30% टैक्स था तो ये हो गया था 90 रुपीज़। तो ये टैक्स अवॉइडेंस है क्योंकि लीगली अलाउड है, लेकिन अगर टैक्स किसी ऐसे तरीके से बचाया जाए जो लीगली अलाउड नहीं है तो वो टैक्स इवेजन कहलाता है। टैक्स इवेजन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कभी थोड़े दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि जी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर, पाकिस्तानी ट्रेडर, पाकिस्तानी कंपनीज चाइना में जाके बैठ गई और चाइना में जाके उन्होंने जो है वो वहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ भी साजबाज कर ली। अब वो चाइना में सामान बनवा कर उसको पाकिस्तान भेजते हैं, जब सामान पाकिस्तान भेजेंगे तो उस पर ड्यूटी लगती है कि जी आपने जो सामान बाहर से भेजा है उस पर कुछ टैक्स लगेगा। ठीक है, ड्यूटी जो कि इम्पोर्ट पे लगाई जाती है वो भी एक टैक्स है। अब उन्होंने क्या किया कि सामान 300 का पर यूनिट बना था, उन्होंने उसकी प्राइस लगवाई कि हमने तो ये 200 पर यूनिट वाला सामान भेजा है। जब 300 के हिसाब से टैक्स लगना था, अब 200 के हिसाब से टैक्स लगेगा या 100 रुपये के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो इसको कहते हैं अंडर इन्वॉइसिंग। इनवॉइस कहते हैं उस प्राइस को, उस रसीद को जो कि किसी सामान को ख़रीदने की आप दे रहे होते हैं। तो जब आप इनवॉइस हल्की दिखाते हैं तो टैक्स हल्का लगता है। ये सब साजबाज सबके साथ मिलजुल के होती है, वहाँ की अथॉरिटीज़ भी और यहाँ की अथॉरिटीज़ भी, सबको पता ही होता है अंडर इनवॉइसिंग हो रही है। और आपको अंदाज़ा है कि ये कितने की हो रही होगी पाकिस्तान में? अंडर इनवॉइसिंग जो है ना वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हो रही है। सब कुछ ही हमारे यहाँ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ में होता है सिवाय पब्लिक वेलफेयर के। खैर, मैं डिसिमल पिक्चर नहीं दिखा रहा, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टैक्स इवेजन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सारे तरीके जो हैं वो चोरी है, वो इलीगल है, और अगर पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगेंगी। ठीक है, अच्छा जी, टैक्स गवर्नमेंट जो है वो क्यों क्यों लगा सकती है? टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि जी टैक्स लगा रही है टू रेज मनी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है ताकि जो है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ख़त्म की जा सके। वाई टैक्स का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ख़त्म करने की बात? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कुछ अमीर बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत गरीब हैं, तो अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, वो तो अपना इलाज करा लेंगे बड़े अस्पताल में, और गरीबों को फ्री अस्पताल दे दिया जाए। जब अस्पताल का खर्चा गरीब का कम हो जाएगा तो एक तरह से उसकी इनकम बढ़ गई। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ गरीबों को दी जाती हैं जिसमें कि उनको चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर, कम रेट पर दी जाती हैं, एक्चुअल रेट से कम पे दी जाती हैं। तो ये इनइक्वालिटी कम करती है इनकम की, उनको लगता है जैसे कि उनकी इनकम बढ़ गई। जैसे कि एक मिसाल है कि 100 यूनिट जो है वो बिजली के प्रोड्यूस कर रही है कंपनी 5,000 रुपये के, गवर्नमेंट कहती है कि तुम इन लोगों से 3,000 चार्ज करना, बाकी 2,000 रुपये मैं दे दूंगी। अब ये 2,000 रुपये इसने हाई इनकम लोगों से कमाए और लो इनकम वालों को 2,000 की सब्सिडी दे दी, टैक्स रिलीफ दे दिया। नेगेटिव ऑफ टैक्स है सब्सिडी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करने के लिए भी टैक्स लगाए जाते हैं अमीरों पर। इसी तरह से टैक्स इसलिए भी लगाए जाते हैं कि इम्पोर्ट कम हो, डिस्करेजिंग ऑफ इम्पोर्ट।
फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में भी वीट बनता है, बाहर के मुल्क में भी वीट बनता है, बाहर वाले समाओ कुछ करके हमसे सस्ता बनाना शुरू कर दें तो हम सारा बाहर से मंगाने लगेंगे। इसमें दो मसले होंगे, एक तो हमारा लोकल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, उसको नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और हालांकि इन्फ्लेशन कम हो रही होगी क्योंकि बाहर से सस्ता आ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा मसला ये होगा कि उस बाहर से आने वाली वीट के लिए हमें अपने डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, तो वो हमें कमाने के लिए भी कुछ और ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम डॉलर कमा सकें, और नहीं बना सके तो फिर हमारे पर लोन हो जाएगा। तो हम बाज़ोका चाहते हैं कि जो चीज़ हम ख़ुद बना सकते हैं, बना रहे हैं, उसको सपोर्ट करें, बाहर से आने वाली चीज़ को थोड़ा महंगा कर दें, तो उसके लिए हम टैक्स लगाते हैं इम्पोर्ट पर, जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बस हार्मफुल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से रोकने के लिए टैक्स लगाते हैं, हार्मफुल कंजम्पशन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। ये कस्टम ड्यूटी थी, हमारे मुल्क में जो टर्म्स हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जैसे कि टोबैको है, जब सिगरेट पीते हैं तो उससे सोसाइटी को लॉस होता है, उससे लोगों की सेहत ख़राब होती है, फिर गवर्नमेंट को बिलियंस खर्च करने पड़ते हैं लोगों की सेहत को ठीक करने के लिए, तो उससे बेहतर इसको कम करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सिगरेट पर बहुत हैवी टैक्स लगाया हुआ है। इसी तरह से हर वो चीज़ जो कि पोल्यूशन क्रिएट कर सकती है, कर रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट हैवी टैक्स लगा सकती है, ताकि कि इंटरनेशनली ऐसा किया जाता है कि अगर आप इतना इस लेवल का पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इस तरह के टू अवॉइड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ थिंग्स दैट आर क्रिएटिंग हार्मफुल इफेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। टैक्सेस कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को ये एक तरह से इसी का एक एक्सटेंशन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैसे होगी, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री से कहा जाएगा कि अगर आप इतने परसेंट धुआं आपकी फैक्ट्री से निकलेगा तो आप पे जो है वो इतने परसेंट टैक्स लगेगा, और अगर आपकी फैक्ट्री से कम परसेंट धुआं निकलेगा तो आपके पर 5% टैक्स लगेगा, और अगर आपकी फैक्ट्री से और कम परसेंट टैक्स धुआं निकलेगा तो हो सकता है कि हम आपको टैक्स लगाने के बजाय सब्सिडी दे दें, पैसे एक्स्ट्रा वापस करना शुरू कर दें आपको। तो इस तरह की स्कीम्स भी इंटरनेशनली निकाली जाती हैं कि आप टैक्स की मदद से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी काम ले सकते हैं। तो टैक्स क्यों लगाए जा सकते हैं, उसकी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लिस्ट जो है ना, ये काम की है आपके, कि आपसे हम कहा जाए व्हाट आर द रीजंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ टैक्स, तो आपके पास पूरी एक लिस्ट है, ये लिस्ट है मेरे पूरे लेक्चर से निकाल निकाल के अपने पास सेव करते रहिए, ये काम आएंगी जब आप आंसर्स कर रहे होंगे, आंसर्स लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे अपने। तो अच्छा फिर आगे चलते हैं, एक अच्छा टैक्स क्या होता है, एक अच्छा टैक्स, उसमें कुछ मिली जुली सी बातें हैं, कुछ रिपीटेटिव बातें भी हो सकती हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक अच्छा टैक्स वो होता है जो इक्विटी जिसके अंदर हो। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती है वो जो माशरे में इक्वालिटी की तरफ लेके जाए। इक्विटी का मतलब है कि लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से देना या चार्ज करना, कमज़ोर को ज़्यादा हेल्प करना, ताकतवर को कम हेल्प करना, ये इक्विटी कहलाती है। इक्वल तो ये होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि एक रास्ता है, उस रास्ते पे 200 मर्द सफ़र करते हैं और 10 औरतें। अब आपने बस में दो खाने बना दिए इक्वल, और बस के अंदर 100-100 के खाने बना दिए, 100 मर्दों का खाना, 100 औरतों का खाना, 100 मर्द बैठ जाएंगे और 10 औरतें बैठे होंगी और उनके 90 खाली पड़े होंगे, तो यहाँ इक्वालिटी से फ़ायदा नहीं हो रहा। इक्विटी का मतलब है ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो अच्छा टैक्स वो है जो इक्विटी के साथ हो, यानी अमीर पे ज़्यादा लगाया जाए, गरीब पे कम लगाया जाए, बहुत आसान सी बात है। सोसाइटी के अंदर कमज़ोर तबकों को जो है वो आसानी प्रोवाइड करता हो, और अमीर तबकों से थोड़ा सा वो लेता हो, और अमीर तबके से थोड़ा ज़्यादा लेने की वजह ये भी है कि अमीर तबका अमीर इसलिए होता है कि उसको आसपास की सब चीज़ों से फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहा होता है। अच्छा जी, फिर अच्छा टैक्स वो होता है जो नॉन डिस्टॉर्शनरी होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी भली चल रही थी, आपने उसमें उसको ख़राब कर दिया,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में एक नए किस्म का सोलर पैनल बना हो और सोलर पैनल की वजह से जी मार्केट में सोलर पैनल सस्ते हो गए हों और उसकी वजह से लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हों, उसकी वजह से उनके बिजली के बिल कम आ रहे हैं और फिर सोलर पैनल इतने अच्छे बनना शुरू हो गए कि वो लोगों ने उसको एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने कहा ये बड़ा अच्छा सोर्स है इनकम का, क्यों ना सोलर पैनल पर टैक्स लगा दें। अब उस टैक्स लगने से सोलर पैनल महंगा हो गया, लोगों ने उस बिजली बनाने की कोशिश कम कर दी, जो एक्सपोर्ट हो रहे थे अब एक्सपोर्ट उनको महंगी पड़ रही थी बाहर से मंगवाना, तो उन्होंने मंगवाना कम कर दिया। पूरी इकोनॉमी में जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो कम हो गया, तो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गई। डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, टैक्स ऐसा हो जो डिस्टॉर्शन क्रिएट ना करता हो। गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा टैक्स वो है जो सर्टेन हो। गवर्नमेंट को इस साल 5 अरब खर्च करने किसी खास मद में, तो अब वो 5 अरब आएंगे तो खर्च करेंगे। गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया जो शायद 2 अरब लेके आए, शायद 3 अरब लाए, शायद 4 अरब लाए, तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगी कि फ्लक्चुएटिंग एक्सपेक्टेड टैक्स जो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो फिस्कल पॉलिसी है ये एक्सपेक्टेड होती है, अपने एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर प्लान्ड एक्सपेंडिचर बताती है और टैक्स भी जो है वो एक्सपेक्टेड कलेक्शन बताती है, क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है, पूरे साल भर में होना है। तो ऐसी जगह टैक्स लगे जहाँ से कि उसकी कलेक्शन जो है वो ज़्यादा सर्टेन हो जाए किसी तरह से, तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकेगी अपनी। ठीक है जी, जैसे कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाना जिसकी कंजम्पशन लोग छोड़ सकते हैं। आपने जो है वो लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया कि अब मैं यहाँ से कमाऊँगा, रोड बनाऊँगा। जब लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगा, लोगों ने कहा कोई नहीं, ले वाली लग्जरी गाड़ी नहीं लेते, इससे नीचे वाली ले लेते हैं, तो आपके पास उतना टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ जो आपका ख्याल था। तो लेकिन सर्टेनिटी के लिए जब लोग टैक्स लगाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं, तो उन चीज़ों पे लगाना शुरू कर देती हैं जो कोई ख़रीदना छोड़ सकता नहीं है, जिनको हम नेसेसिटीज़ कहते हैं। लेकिन नेसेसिटीज़ पे लगने वाला टैक्स जो है वो गरीब आवाम को ज़्यादा नुकसान देता है, प्रोग्रेसिव के बगैर रिग्रेसिव हो जाता है, यानी वो जो है वो इक्विटी नहीं क्रिएट कर पा रहा होता, बल्कि इक्विटी ख़राब करता है। तो ये बड़ा देखभाल के बनाना पड़ता है, बड़ा सोच समझ से करने वाला काम है। इसी तरह से एक टैक्स ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर के ये तीन क्वालिटीज़ और हों, तीनों सिमिलर क्वालिटीज़ हैं। क्या है? कन्वीनियंस हो उसके अंदर जो है, सिंप्लिसिटी हो, और उसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। देखें फिर एक लिस्ट तैयार हो गई कि व्हाट इज अ गुड टैक्स, और आपने उसके अंडर में ये चार पांच चीजें निकाली, ये लिस्ट बनाते रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस ये है कि उस टैक्स को पे करना आसान हो, उस टैक्स को पे करना मुश्किल ना हो। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर जो इनकम टैक्स लगता है उसको पे करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसकी रिटर्न फाइल करना एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डॉक्यूमेंट है। अच्छा, हर साल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उस डॉक्यूमेंट को आसान करे। अगर आपको पता हो, टैक्स आसान के नाम से एक ऐप भी जारी की गई जिसके ज़रिए से थोड़ा आसानी से टैक्स दिया जा सकता है। जब मुश्किल होगा ना टैक्स पे करना, तो लोग अवॉइड करेंगे या इवन एवेड भी करेंगे। तो अगर टैक्स पे करना कन्वीनियंट होगा, बहुत इजीली पे किया जा सकता होगा, तो फिर लोगों में थोड़ी हिम्मत आएगी कि ओके चलो पे कर देते हैं। तो कन्वीनियंट होना चाहिए है, आपकी पेमेंट जो है वो जाके बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगाओ, वहाँ जाके आपकी टैक्सी पेमेंट होगी, ये ना हो आप अपने ऑनलाइन पेमेंट कर सको। इस तरह की छोटी छोटी सी कन्वीनियंसेस अगर आप क्रिएट कर दें, जैसे मैंने कहा कि रोड का टैक्स होता है, टोल टैक्स कहलाता है। पहले ज़माने में हमारे यहाँ टोल टैक्स ऐसे होता था कि जी आप एक गेट लगा होता था, उस पर लंबी लंबी नाली लगी होती थी, वहाँ पे आप रुकते थे और बंदे को 500 का नोट पकड़ाते थे, वो 120 वापस करता था, फिर 380 पे करके आप आगे जाते थे, फिर अगली गाड़ी रुकती थी, 500 का नोट पकड़ाती थी, वो 120 वापस करता था, तो यूँ काफ़ी टाइम लगता था। तो एक कन्वीनियंस ये पैदा कर दी है कि एम टैग के नाम से एक स्टिकर लग जाता है, उसमें आप अपनी मोबाइल ऐप से उसमें लोड कर लेते हैं पैसे, और स्कैनर उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करता है, खुद ब खुद आपके पैसे कट जाते हैं। यूँ गवर्नमेंट के लिए भी कन्वीनियंस है कि वो पैसा एक जगह जमा हो रहा है, और आपके लिए भी कन्वीनियंस है कि आपको नोट उठा उठा के फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, टैक्स कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बिल कोई भी अपना उठा के देख लीजिए, उस पर चार पांच तरह के अलग अलग टैक्स लगे हैं, फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली अमाउंट कितनी बनेगी। मैं इतनी कंजम्पशन करूँगा तो ये वाला टैक्स इतना लगेगा, वो वाला टैक्स इतना लगेगा, एक टैक्स और है वो उतना लगेगा, और मिला जुला के पता नहीं कितना लगेगा।
टैक्स कैलकुलेट करना एक बड़े लंबे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा टैक्स वो है जो सिंपली कैलकुलेट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हो। ठीक है, मोबाइल फोन्स की जो कॉल्स हैं उस पर भी जो टैक्स लगता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमारे यहाँ, कि ये वाला टैक्स अलग है, एडवांस इनकम टैक्स अलग है, सेल्स टैक्स अलग है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी अलग है, पता नहीं कौन कौन सी इस पर टैक्सेस लगे हुए हैं जो मिक्स करके आखिर में पता नहीं चल पाता कि मैं एक कॉल करूँगा तो उसके पैसे बनेंगे कितने भाई। तो सिंप्लिसिटी हो कैलकुलेशन की और एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट हो, यानी उसको जमा करने में इतना खर्चा ना लग जाए कि जितने का टैक्स जमा हो उतना ही पैसे खर्च हो गए उसको जमा करने में। आपने 1 अरब का टैक्स जमा किया, जिस टीम ने 1 अरब जमा किया तो उसको 50 करोड़ दे दिए, तो फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट हो, ये आसान हो कि जो लोग मिलकर उसको जमा कर रहे हैं उनके पास ऐसे प्रोसेस हों कि वो ईजीली वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे टैक्स की निशानी है। अच्छा, आगे चलते हैं। टैक्स की क्लासिफिकेशन, टैक्स की क्लासिफिकेशन यानी कैसे कैसे टैक्स होते हैं, कुछ तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ टैक्स के गवर्नमेंट क्यों क्यों टैक्स लगाती है। अब मैं बता रहा हूँ कि टैक्स जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। ये टैक्स की एप्लीकेशन के हवाले से है कि हाउ अ टैक्स इज़ अप्लाइड। ठीक है, इसको कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, किस तरह का इम्पैक्ट आता है लोगों के ऊपर। अच्छा, इसको एक और नज़र से देखा जाता है, पहले वो नज़र मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, एक टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, एक टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, और एक टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होगा कि जितनी इनकम बढ़ती जाए टैक्स का रेट बढ़ जाए। 100 जो कमा रहा है उससे 10% ले लिया, 200 वाले से 20% ले लिया, 300 वाले से 30% ले लिया। इसका मतलब है कि अगर ये 100 वाला 10% फिर 300 से लिया जाता तो वो तो 30 देता, लेकिन 30% जब 300 वाले से लिया जा रहा है तो 90 दे रहा है, ये 40 दे रहा है और ये 10 दे रहा है, एक्चुअल जो अमाउंट बन रही है इसकी। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है ये इक्विटी क्रिएट करता है ना, इक्विटी के साथ वाबस्ता है कि कम गरीबों पे कम और अमीरों पे ज़्यादा। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है सब पे एक जितना, सब 10% दोगे। प्रोपोर्शनल टैक्स में मसला ये है कि बहुत बड़ी तनख्वाह का आपने 10% निकाले, एक सर्टेन अमाउंट बन गई, वो बड़ी अमाउंट बन गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अमीरों से ज़्यादा परसेंट में टैक्स कलेक्ट किया हो, गरीबों से कम परसेंट में टैक्स कलेक्ट किया हो। और रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि गरीबों से ज़्यादा और अमीरों से कम, जो कम कमा रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लो, जो ज़्यादा कमा रहा है उससे कम टैक्स लो। अब आप बोलोगे भाई रिग्रेसिव टैक्सेशन कौन करता होगा, भाई हमारे मुल्क में ज़्यादातर टैक्सेशन रिग्रेसिव ही है, वो कैसे। टैक्स की एक और तरह से एक और जाविया है टैक्स की का इम्पैक्ट देखने का, वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम में से काट लिया जाता है। कौन कौन सी इनकम में से काट लिया जाता है अभी हम इसको तफसील से आगे भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल आएगी डायरेक्ट टैक्स की, कौन कौन सी रस्में हैं। इनकम में से डायरेक्ट कट कर लिया जाता है, जैसे कि सैलरीज में से टैक्स कटता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आम तौर पे प्रोग्रेसिव होता है, कम सैलरीज वालों पे कम, जैसे कि हमारे मुल्क में अभी इस साल की रिपोर्ट ये है कि 6 लाख तक अगर किसी ने कमाया तो उस पर टैक्स नहीं होगा, जिसने 6 लाख से 12 लाख तक कमाया उस पर 5% टैक्स होगा, जिसने 12 लाख से 18 लाख तक कमाया उस पर 7 होगा, जिसने 18 से 24 लाख, ये सालाना कमाई की बात हो रही, कमाया उस पर इतना टैक्स बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव होता है, अमीर पे ज़्यादा गरीब पे कम, इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स की एक किस्म, जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम पे नहीं लगता बल्कि कंजम्पशन पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल,
आपने जो है वो बिजली कंज्यूम की 100 यूनिट, उस पर उन्होंने 10% टैक्स लगा दिया। आपने पेट्रोल डलवाया 20 लीटर, आप उन पर उस पर उन्होंने 20% टैक्स लगा लिया, 10% टैक्स लगा लिया। तो कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो पड़ रही थी फॉर एग्जांपल आपको 1,000 रुपये की, उस पर 10% टैक्स लगा दिया इन्होंने, और वो पड़ रही है अब आपको 1,100 रुपये की। तो कंजम्पशन पे टैक्स, इसको मुख्तलिफ नाम है, इसको वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं, सेल्स टैक्स भी कहते हैं, इसको भी हम अभी आगे तफसील से इसकी किस्मों का जायज़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो पूरी दुनिया में लगाया जाता है, अमीरों पे ज़्यादा और गरीबों पे कम, लेकिन इससे पैसे जमा करने के लिए कि गवर्नमेंट अपने सारे खर्चे पूरे कर सके, ये पूरा नहीं पड़ता। बहुत से मुल्कों में इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स पूरा नहीं करता, तो इसलिए गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के लिए वैल्यू एडिड टैक्स लगाती है, सेल्स टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। लेकिन हर गवर्नमेंट को पता होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि गरीबों पे ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा इसका। क्यों इम्पेक्ट गरीबों पर आएगा इसका ज़्यादा? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो 1,000 रुपये कमाता है और एक बंदा जो 10 लाख कमाता है, दोनों के लिए आपने लेट सपोज पेट्रोल की प्राइस, वो पेट्रोल डलवा रहे थे 500 का अपनी गाड़ी में, अब पेट्रोल उनको पड़ रहा है 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये तो इसकी इनकम का 100% है, जबकि 1,000 रुपये इसकी इनकम का कितने परसेंट होंगे? 0.001% होंगे शायद। तो ये जो आपने टैक्स बढ़ा के 500 से 1,000, अपना 500 का टैक्स लगा के प्राइस 500 से 1,000 कर दी, तो ये टैक्स गरीब को बहुत ज़्यादा महसूस होगा और अमीर को बहुत कम महसूस होगा, इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये आगे बहुत सारे सवालों में यूज़ होगी कि रिग्रेसिव टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे होती है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट मजबूर है, तो गवर्नमेंट क्यों मजबूर है? क्योंकि उसको बहुत सारे खर्चे करने हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा खर्चा है पिछले साल की उधार लिए हुए वापस करना। तो भाई क्यों लिए थे उधार? ताकि अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा अच्छा दिखाया जा सके, ताकि अगली दफ़ा वोट लिए जा सके। तो ये एक सर्कल है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का हमेशा रहेगा कि वो बहुत सारा उधार लेंगी ताकि उनकी बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा खर्चा करें, वो अपने अपने इलाकों की रोडें बनाने की कोशिश करें, लोगों में पैसे तकसीम करें किसी तरह से, और उसके नतीजे में उस कर्ज़े को वापस करने के लिए उनको फिर मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे कि जिससे कि वो कर्ज़ा उतार सकें। पिछली गवर्नमेंट्स का भी उतारें, अपनी गवर्नमेंट का भी उतारें, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ता है। दूसरा, हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्स जमा भी कम होता है, क्योंकि हर शख्स डायरेक्ट टैक्स हमारे मुल्क में पे नहीं कर रहा। क्यों नहीं पे कर रहा? कि वो जो कानून बनाने वाले हैं, जिन्होंने टैक्स का कानून बनाया है, वो खुद सबसे पहले चाहते हैं कि उनके ऊपर खुद ना लगे टैक्स, दूसरे ही टैक्स पे करें। क्या मतलब हुआ? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादातर जो कानून बनाने वाले लॉ मेकर्स हैं, वो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, तो वह एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाते। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कि हमारे बहुत सारे लॉ मेकर्स ऐसे हैं जिनकी शुगर मिल है, वो शुगर मिल पे बड़ा सब्सिडाइज करते हैं, उसके टैक्स रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ मेकर्स ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को पैसे रिटर्न कर देते हैं, टैक्स टैक्स नेगेटिव में हो जाता है उनका। तो इस तरह से बड़े बड़े लोग तो टैक्स नहीं दे रहे होते, लेकिन गरीब जो आदमी मजदूरी कर रहा है या जो शख्स सैलरीड है, उसकी तनख्वाह मिलने से पहले टैक्स कट के उसको तनख्वाह मिलती है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, इसी तरह से टैक्स से बच ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये हमारे यहाँ कुछ मसाइल हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से, मैंने थोड़ी सी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो बड़ा तफसील से इस पर हम बात कर सकेंगे। अच्छा, फिर टैक्सेस जो हैं वो नेशनल गवर्नमेंट भी लगाती है, सूबाई हुकूमत भी लगाती है, और नेशनल गवर्नमेंट भी लगाती है, प्रोविंशियल भी लगाती है, और लोकल गवर्नमेंट भी लगाती है। जिस तरह के काम हो रहे हैं, जिस तरह के मुल्क में डेवलपमेंट है, उस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह से टैक्स अप्लाई किया जाता है। लोकल गवर्नमेंट को जितने इख्तियार दिए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो
लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत इख्तियार आते हैं, वो अपने टैक्स खुद लगाती है, और वो वाले टैक्स फिर गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट नहीं लगाती, ना वो वाले काम करेगी ना वो वाले टैक्स लगाएगी। मसलन इलाके की सड़कों को ठीक करना, इलाकों के पार्कों को ठीक करना। अब पार्क को ठीक करने के लिए वो लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाएगी, उस टैक्स से पार्क को ठीक करेगी और वो लोगों को आंसरेबल रहेगी, वो वहीं रहती है। लोकल गवर्नमेंट की एडवांटेज ये है कि लोकल गवर्नमेंट वहीं मौजूद होती है, आसपास के ही लोग होते हैं, तो इसलिए जो है वो बहुत सारी अथॉरिटीज़ वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोकल गवर्नमेंट अपने खुद टैक्स लगाती है और उससे खुद ही वहीं के वहीं काम करवा देती है। और बल्कि बाहर के मुल्कों में तो अगर साल के आखिर में टैक्स का पैसा बच जाता है तो वो वापस भी किया जाता है उस इलाके के लोगों को। ठीक है जी, अच्छा आगे चलें। तो लोकल टैक्स भी होता है, नेशनल लेवल का टैक्स भी होता है। अब डायरेक्ट टैक्सेस की कुछ किस्में देख लेते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्ट टैक्सेस के नाम, जैसे कि मैंने बताया एक है इनकम टैक्स। अब अगेन देखें, मैंने आपसे कहा ना एक लिस्ट तैयार हो रही है, तो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, ठीक है। मैंने आपसे आपको बताया कि इनकम टैक्स जो है वो लोगों की सैलरी में से, उनको सैलरी पे करने से पहले ही कंपनीज काट के देती हैं, इनकम टैक्स कंपनीज अदा करती हैं और सैलरी तबके वाले बताते हैं कि जी हमसे कट गया, और वो अपना हिसाब आखिर में दे देते हैं साल के आखिर में, जी हमारी ये तनख्वाह थी, हमारा टैक्स कट चुका ऑलरेडी। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें से जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है, जैसे मैंने बताया 6 लाख रुपए सालाना की जिसकी तनख्वाह है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, बच्चे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, कुछ खास उम्र के बूढ़े एग्जेम्प्ट हो जाते हैं बाज़ मुल्कों में, डिसेबल्ड एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल लोअर रेट मिलते हैं इनकम टैक्स के। जैसे हमारे मुल्क में आईटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो बाहर से पैसे कमा रहे हैं उनको जो है वो प्रेफरेंशियल रेट दिया हुआ है इनकम टैक्स का, कम टैक्स कट रहा है। एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वालों पर कुछ कम टैक्स का रेट होता है। तो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों पर मुख्तलिफ़ तरह का इनकम टैक्स लगाना पॉसिबल होता है, लगाया जाता है, हमारे मुल्क में भी ऐसा है। ठीक है जी, तो इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, ये मैंने समझा दिया आपको। जब बाज़ मुल्कों में, और हमारे यहाँ भी ऐसा है कि इनकम टैक्स को की एप्लीकेशन मार्जिनल भी होती है, मार्जिनल टैक्स रेट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने लेट सपोज कमाए 3,000 रुपए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि पहले 1,000 पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने गलत बना दिया, ये हो गया, पहले 1,000 पे कोई टैक्स नहीं है, 1,000, 2,000 और 3,000। उसके बाद अगर किसी ने 1,000 से 2,000 के बीच में कमाए तो उस पर 10% टैक्स है, तो ये आपने 10% टैक्स पे किया। ठीक है, 10% ऑफ व्हाट? 1,000 से 2,000 के बीच की अमाउंट पे। ये कितना बना? ये बना 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये का 10% बनता है 100 रुपये, लेकिन आपने 3,000 कमाए। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने 2,000 से 3,000 भी कमाए हैं ऊपर, तो इसका टैक्स रेट 20% है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये मज़ीद एक्स्ट्रा कितने पैसे कमाए आपने? 1,000 रुपये, और इस 1,000 रुपये के ऊपर 20% पे किया, तो 1,000 का 20% 200 रुपये बना। टोटल टैक्स आपने कितना पे किया? यहाँ 0, यहाँ 100 और यहाँ 200, तो टोटल आपने 300 टैक्स पे किया। आपकी तनख्वाह कितनी थी? आपकी तनख्वाह थी 3,000, तो ऑन एन एवरेज आपने 10% टैक्स पे किया, लेकिन मुख्तलिफ मार्जिन्स के टैक्सेस को पे करते हुए इस तरह से टोटल टैक्स कैलकुलेट हुआ आपका। तो ये मार्जिनल टैक्सेशन का एक रूल है जो अप्लाई होता है। बाज़ मुल्कों में ये सिर्फ 2 बैंड्स तक चलता है, कि लास्ट 2 बैंड्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे, कि 2,000 तक पे तो आप 10% दें, तो ये वाला 0 आपको नहीं मिलेगा। ये वाला 0 सिर्फ उसको मिलेगा जिसकी 1,000 से ऊपर गई ही नहीं, जिसके 1,000 से ऊपर चली गई अब उसको ये 0 नहीं मिलेगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के रेट्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, यही तरह का इनकम टैक्स का एक और किस्म है जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। ये कंपनीज पे लगता है, जैसे कि पर्सन्स की सैलरीज पे टैक्स लगता है, कॉरपोरेट्स के प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया साल के आखिर में उस पर टैक्स देगी, और ये भी प्रोग्रेसिव होता है, जो कंपनी बहुत ज़्यादा कमाती है उसके ऊपर उसी हिसाब से ज़्यादा टैक्स लगता है। और कैपिटल गेन्स टैक्स एक और होता है,
ये क्या होता है, ये भी आमदनी पे लगता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 30 लाख की गाड़ी खरीदी, अगले साल बेची तो 50 लाख की बेची, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई थी, तो 20 लाख एक्स्ट्रा कमा लिया आपने। इसके ऊपर एक टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, जो कैपिटल गेंस टैक्स कहलाएगा। ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं है। ये भी इनकम पे, कमाई पे लगा। इसी तरह से आपने शेयर्स खरीदे हुए थे, शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, साल के आखिर में आपने ज़्यादा कमाई की शेयर बेच के, जितने खरीदे थे उससे ज़्यादा के बेच दिए, तो ये भी कैपिटल गेन में आएगा। इसी तरह से वेल्थ टैक्स होता है, हर साल आप, हो सकता है कि अपने जो आपके मुल्क में अगर आपके पास कुछ पैसे जमा हैं, तो इनकम के अलावा जो जमा पैसे हैं, अब मजीद आमदनी तो नहीं आ रही, पैसे जमा हुए हैं, तो जमाशुदा पैसों पे आप कुछ टैक्स देते हैं। हमारे मुल्क में नहीं है वेल्थ टैक्स, लेकिन ये कि बाज़ मुल्क में होता है। हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स की एक और किस्म है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। जो हम हर साल अपनी जो जायदाद हमारे पास है, मकान हमारे पास है, ज़मीन हमारे पास है, हम उस पर कुछ अमाउंट टैक्स की पे करते हैं, तो वो भी एक तरह का वेल्थ टैक्स ही हो गया। ठीक है, अच्छा, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस के फ़ायदे क्या होते हैं, ये एक और लिस्ट बनने जा रही है, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या होते हैं जी एडवांटेजेस? नंबर 1, तो एडवांटेज ये होता है कि इनसे आप अच्छी तरह से पैसे कलेक्ट कर पाते हैं, काफ़ी पैसे आ जाते हैं, हाई यील्ड। इनकम टैक्स की मदद से आप एक साथ बहुत सारे पैसे जमा कर पाते हैं, और इसकी मदद से इनइक्वालिटीज़ को लोअर किया जाता है। और ये लोगों की एबिलिटी टू पे पे होता है, इसलिए ये वुमन लेस बर्डन क्रिएट करता है एज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं उसी हिसाब से आप पे टैक्स लग रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जब इनकम टैक्स बढ़ता है, ये डिसएडवांटेज है, जब इनकम टैक्स बढ़ता है तो नंबर 1, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में चीज़ें खरीदना लोग कम कर देते हैं, डिमांड्स कम हो जाती हैं, डिमांड्स कम होती हैं तो परचेजिंग पावर कम होती है, डिमांड्स कम होती हैं, डिमांड्स कम होती हैं तो प्रोड्यूसर्स को लगता है कि अब उनको कम प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस बनाना आपको आनी चाहिए कि एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ क्या लीड करेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें कि डायरेक्ट टैक्स लगेगा, तो उसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी कम होने के चांस होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मार्जिनल टैक्स की वजह से रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या मतलब हुआ? एक बंदे को पता है कि वो अभी 2,000 रुपये कमा रहा है, 2,000 की स्लैब पे है, 10% पे कर रहा है। उसने 2,001 रुपये कमा लिया तो अगली स्लैब में चला जाएगा, जहाँ पे 20% पे करेगा। तो भाई बेहतर है 2,000 ही कमाते रहो, एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालो, क्योंकि अगर पैसे थोड़े से बढ़े तो टैक्स उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो टोटल टैक्स की अमाउंट मेरी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। तो यूँ डायरेक्ट टैक्स जो प्रोग्रेसिव होता है, वो इंसान को मजबूर करता है कि वो अगली वाली स्लैब में जंप ना करे, अनलेस के कोई बहुत बड़ा जंप ना आ रहा हो। जब आप देखते हैं कि प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है, तो उस प्रॉफिट पे टैक्स से नुकसान ये होता है कि एंटरप्राइज मदीद इन्वेस्टमेंट करने से कतराने लगती है, कि बहुत टैक्स लगाते हैं यार इस मुल्क वाले, यहाँ के बजाय किसी ऐसे मुल्क में जाके इन्वेस्ट करो जहाँ पे कि टैक्स कम लगाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, सप्लाई कम होती है, तो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं इससे। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, परचेजिंग पावर भी कम होती है, इससे जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। हाई डायरेक्ट टैक्स रेट की वजह से जो है वो टैक्स इवेजन के बहुत ज़्यादा चांसेस शुरू हो जाते हैं, कि भाई बेहतर है किसी तरह से बच जाओ इस टैक्स से। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ आपको डिसएडवांटेजेस बता। एक टैक्स की टाइप पीछे रह गई थी, जिसको हम कहते हैं पेरोल टैक्स।
पेरोल टैक्स, ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है कंपनीज के ऊपर। बाज़ुकात के कंपनी से कहती है आपने जो 100 लोग रखे हुए हैं, इन 100 लोगों का एक टैक्स दें आप, ताकि हम इन लोगों की वेलफेयर पे खर्च किया करें। ओल्ड एज बेनिफिट्स जैसे दिए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कहती है आप 5% अपना बचाएं, कंपनी से कहती है अपनी तरफ से खुद से आप 5% एक्स्ट्रा डालें एक फ़ंड के अंदर, वो फ़ंड जमा करें, जब बंदा रिटायर हो जाए तो उसको कुछ पैसे दें महीने के, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। तो ये बेनिफिट्स देने के लिए एक्स्ट्रा कुछ पेरोल टैक्स, अदर पेरोल टैक्स लगाए जाते हैं। तो अगर अदर पेरोल टैक्स बनते हैं तो उसके डिसएडवांटेज ये है कि कंपनीज जो है कोशिश करती हैं एम्प्लॉयमेंट कम कर दें, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे ज़्यादा बड़ा पेरोल टैक्स देना पड़ेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, तो उससे बेहतर है कि कम लोगों को एम्प्लॉय किया जाए। ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स का नुकसान में से है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की पहले टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या होती हैं जी? जैसे मैंने कहा सेल्स टैक्स, ये वसूल किससे किया जाता है? सेल्स टैक्स लग तो रहा है कि जब बेचोगे तो टैक्स कलेक्ट करोगे, लेकिन देगा ये कंज्यूमर ही। एक बंदा 10 रुपये की चीज़ बना रहा है, जब वो उस पर गवर्नमेंट कहेगी 10% सेल्स टैक्स लगाओ, तो वो उसको 11 की बेचेगा, तो ये पे कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। ठीक है, इसी तरह से एक टैक्स होता है जिसको आप कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सा टैक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ऐसी चीज़ में जिसमें के वैल्यू ऐड आप करते हैं उसका आप एडिशनल टैक्स पे करते हैं। मैं समझाता हूँ अभी। अब देखें, जब आप सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो आटा लिया, आटे से ब्रेड बनी, ब्रेड से सैंडविच बना, सैंडविच कंज्यूमर को बिका 500 रुपये का, 10% सेल्स टैक्स लगा, हमारे यहाँ वैसे 18% लगा हुआ, 10% सेल्स टैक्स लगा हुआ है, तो आपने जो है वो 500 का 10% 50 रुपीज़ प्लस इस पे चार्ज किए और 550 का कंज्यूमर को बेच दिया। ये 50 रुपये जो एक्स्ट्रा जमा हुए, ये उस सेल्समैन ने, उस दुकानदार ने, उस कंपनी ने जो है वो गवर्नमेंट को साल के साल या महीने के महीने जमा करा दिए। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग इसीलिए रसीद देने से कतराते हैं कि जब वो रसीद देंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि उन्होंने ये चीज़ बेची, जब ये चीज़ बेची तो इतना टैक्स कलेक्ट किया, अब उनको वो टैक्स गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो रसीद नहीं देते या कच्ची रसीद देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना वो चीज़ तो बेच रहे हैं और आपसे कलेक्ट भी कर रहे हैं वैल्यू एडिड टैक्स या सॉरी ये सेल्स टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे। खैर, बार सेल्स टैक्स तो फाइनल टैक्स है, जब वो जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उससे कलेक्ट किया जाता है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है कि जब आटे को ब्रेड बनाया गया होगा और ब्रेड बना के इसने सैंडविच बनाने वाली कंपनी को बेचा होगा, तो आटे से ब्रेड बनाते वक्त जो उसने वैल्यू ऐड की इसके ऊपर, इस एडेड वैल्यू पे टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, आटा था 100 रुपये का और ब्रेड बिक रही है 200 रुपये की, तो ये 100 रुपये जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुई इसके अंदर, ब्रेड बनाने वाला इस 100 रुपये के ऊपर 10% टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये वैल्यू एडेड टैक्स बाज़ुकात जहाँ कंपेटिटिव मार्केट नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ब्रेड बनाने वाला 10% टैक्स गवर्नमेंट को पे इस तरह से करता है कि वो 100 के बजाय 110 का की ब्रेड आगे बेचना शुरू कर देता है और इस तरह से पैसे निकाल के गवर्नमेंट को दे देता है, वो अपने सर पे नहीं डालता, अपना प्रॉफिट कम नहीं करता। लेकिन अगर बहुत टफ कंपटीशन है और हर हर प्रोड्यूसर सस्ते से सस्ता बनाना चाह रहा है, तो फिर वैल्यू एडिड टैक्स प्रोड्यूसर जो अपने सर पे ले लेता है, अपने प्रॉफिट में से कुछ कमी करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो बज़ाहिर देखने में काफ़ी सिमिलर है कि आटे से ब्रेड बनी, ब्रेड से सैंडविच बना, आखिर में 500 की बिकी, 50 रुपये टैक्स लगा, ये सेल्स टैक्स है। लेकिन जब आटे से ब्रेड बनी थी तो ब्रेड बनाने वाले ने 100 रुपये के ऊपर टैक्स दिया 10%, सैंडविच बेचने वाले ने एक अलग टैक्स दिया सैंडविच बनाने पर, और फिर सेल्स टैक्स अलग से लगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टैक्सेस हैं। सेल्स टैक्स फाइनल वैल्यू पे लगता है जब कंज्यूमर को बिकती है। वैल्यू एडेड टैक्स एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर और दूसरे प्रोड्यूसर तीसरे प्रोड्यूसर तक जब चीज़ जाती है, और वो प्रोड्यूसर जो है वो उस चीज़ में कोई इजाफा करता है और फिर आगे बेचता है अगले प्रोड्यूसर को, तब भी वो टैक्स काउंट किया जाता है, ये वैल्यू एडेड टैक्स कहलाएगा, वैट। ठीक है जी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स भी है। इसको एड वैलोरम टैक्स भी कहते हैं। एड वैलोरम जो है वो लैटिन वर्ड है आई थिंक, और एड वैलोरम का मतलब है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस,
कि कितना प्राइस में इजाफा किया आपने किसी चीज़ को, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। आपने 100 रुपये का आटा ख़रीदा था, 200 की ब्रेड बेची, आपके पास 200 का टैक्स नहीं लग रहा, बल्कि जितना आपने इजाफा किया इसकी प्राइस में अपने प्रोसेसेस के थ्रू, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एड वैलोरम। ठीक है जी, इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस की किस्में हम देख रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्स की एक किस्म मैंने वैसे पहले बताई है आपको, तो उसको हम जल्दी से लिस्ट डाउन कर लेते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन पे लगता है। नॉर्मली कुछ गुड्स की कंजम्पशन से लोगों को रोकने के लिए लगाई जाती है। इम्पोर्ट ड्यूटी है, जिसको हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी या टैरिफ भी कहते हैं बाज़ मुल्कों में इसको। ठीक है, यूजेज चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की इसमें हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पेक्ट क्या है जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे डायरेक्ट के निकाले थे वैसे इनडायरेक्ट के भी निकालते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेज क्या हैं। एक तो ये कि इनडायरेक्ट टैक्स कैन रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स, जैसे मैंने कहा कि हार्मफुल गुड्स पे आप जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं। आपने कहा कि बड़ी गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं पोल्यूशन, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, और जो इलेक्ट्रिक कार्स उन पर टैक्स कम कर दो, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक कार्स की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो यूँ आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से जो है वो लोगों की कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, फेवरेबल बना सकते हैं। टैक्स बेस बहुत बढ़ जाता है, वेरी ब्रॉड टैक्स बेस, यानी बहुत लोग टैक्स देने लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया, सबको देना है, पूरा मुल्क को देना पड़ेगा, ब्रॉड टैक्स बेस हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स तो सिर्फ कमाने वाले, इनकम वाले का दे रहे हैं, बहुत से लोग इनकम छुपा जाते हैं, लेकिन पेट्रोल तो जो कंज्यूम करेगा, पेट्रोल की कीमत में खुद ब खुद टैक्स शामिल है ही, तो पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स लगाना बहुत आसान पड़ता है, क्यों आसान है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए। वो क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा सबसे सब लोग 18% सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लो। अब प्रोड्यूसर खुद, जब सेलर खुद जब सेल करेगा तो अपनी प्राइस में 18% ऊपर चार्ज करेगा, और हर महीने खुद ब खुद गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट करवाया करेगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना आसान है। हाँ, लोग जो चोरी करते हैं उसको पकड़ने के लिए उनको सिस्टम स्टेब्लिश करने पड़ते हैं कि प्रोड्यूसर चोरी ना करें या सेलर चोरी ना करें। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इनकी ख़ास बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है कि गवर्नमेंट जो है वो उसके रेट्स जल्दी जल्दी ऊपर नीचे कर सकती है, साल के बीच में भी कर सकती है। गवर्नमेंट ने अचानक से कहा कि अब से आप लोग अपनी ड्यूटी 18/19 कर दें, हायर एंड रेस्टोरेंट्स अपनी ड्यूटी जो है अब से 25% कर दें कर दें, तो ड्यूरिंग द ईयर भी चेंज किया जा सकता है इसके मैकेनिज़म्स को। डिसएडवांटेजेस ज़ाहिर है इनडायरेक्ट टैक्सेस के, हमने जब देख लिया कि रिग्रेसिव टैक्स होता है तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहले इससे इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, जाहिर है अपने एक चीज़ 100 रुपये की बिक्री थी, टैक्स लगा दिया 200 की होगी। हमारे यहाँ देख लेना, बिजली पे इतना टैक्स लगा हुआ है तो उससे बिजली का बिल महंगा आ रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है। पेट्रोल पे आपने टैक्स लगा दिया, पेट्रोल महंगा हो गया, इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, ये रिग्रेसिव है, तो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। ठीक है, लोगों के दरमियान गरीबों को और गरीब करता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू इन अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन अनलेस अनलेस इम्पोज्ड ऑन नेसेसिटीज। नेसेसिटीज़ पे लगाते हैं तो काफ़ी हद तक सर्टेनिटी आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर लोगों ने पेट्रोल ख़रीदना वाकईतन कम ही कर दिया तो फिर एग्जैक्टली टैक्स कितना साल के आखिर में कलेक्ट होगा आप इतना एक्यूरेटली बता नहीं पा रहे होते। ठीक है, और अगेन इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से स्मगलिंग बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी, यहाँ पे जो भी इंपोर्ट करेगा 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा, वो ऐसी जगहों से चीज़ें मंगाना शुरू कर देते हैं छुप छुप के कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चले चीज़ मुल्क में आ गई। जैसे कि हमारे यहाँ अफगान बॉर्डर से बहुत सारी चीज़ें स्मगल होके आती हैं, बॉर्डर इतना बड़ा है हर जगह चेक करने वाला कोई मौजूद नहीं है,
तो वो बगैर ड्यूटी पेड चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं बगैर टैक्स पे किए। ठीक है जी, तो यूँ टैक्सेस को हमने काफ़ी तफसील से देख लिया। हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के भी काफ़ी हद तक चीज़ें देखी थी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, क्यों करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं अपनी डिस्कशन को काफ़ी हद तक, और इस कंक्लूजन के अंदर हम बात करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी की शक्ल क्या होती है। अब ये सारी बातें, सब बातें जो हमने की, वो सब मिला के बनती है फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस से मुताल्लिक पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के बारे में प्लान करे कि इस साल कितना खर्चा करना है, कितना टैक्स लगाना है, इस पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो इन प्लान से कि कितना एक्सपेंस करना है, कितना टैक्स लगाना है, इन प्लान से गवर्नमेंट पूरे मुल्क की डिमांड और पूरे मुल्क की सप्लाई पे कुछ अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कहा इस साल हम 10 ब्रिजेस और बनाएंगे। जब 10 ब्रिजेस और बनेंगे तो सीमेंट की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। मज़दूरों की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो डिमांड बढ़ती है। इस डिमांड के बढ़ने से मार्केट में आप देखें डिमांड कर्व आगे चला जाएगा। ये एग्रीगेट डिमांड है, पूरे मुल्क की डिमांड है ये। तो पूरे मुल्क में डिमांड लेवल ऊपर चले जाएंगे। फिर कैसे ऊपर चले जाएंगे? गवर्नमेंट ने बनाए ब्रिजेस, जिससे जो है ब्रिजेस बनाए जिससे सीमेंट बढ़ी, सीमेंट की डिमांड बढ़ी, सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ गई। सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ गई, सीमेंट के वर्कर्स की सैलरीज बढ़ गई, इनकी वर्कर्स की सैलरी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, लोगों की कंजम्पशन बढ़ गई। लेकिन ओवरऑल इससे कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इकोनॉमी आगे जाएगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ जाएगा। हर वो पॉलिसी जिसके नतीजे में जीडीपी, जिसको हम वाई भी कहते हैं, जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, हर उस पॉलिसी को कहते हैं गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो हर वो पॉलिसी जो डिमांड को, सॉरी, जो जीडीपी को बढ़ा रही हो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहलाती है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना डिमांड को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि समहाउ जीडीपी कम हो जाए किसी पॉलिसी की वजह से। गवर्नमेंट के, अभी हम एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी टैक्सेस की बात नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर एक्सपेंशन करती है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करके डिमांड को कम करती है, एग्रीगेट डिमांड को कम करती है, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होती है। पहले जहाँ मुल्क का जीडीपी होता है उससे कम हो जाता है मुल्क का जीडीपी Y1 से Y2। यकीनन कुछ ना कुछ प्राइस लेवल भी नीचे आता है, लेकिन जब इकोनॉमी ही स्लो डाउन होती है तो ऐसे प्राइस लेवल के नीचे आने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर कम करती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें खरीद रही थी, अब गवर्नमेंट ने वो खरीदना कम कर दी, तो उन चीज़ों की प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, वो कम होती हैं। जब वो चीज़ें कम प्रोड्यूस होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती है। इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कम ज़रूर होती है, लेकिन ये वाला भी मसला ज़्यादा बढ़ जाता है, जीडीपी कम होता है। तो खैर, ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम कर ले। अच्छा, इस बात की बुनियाद पे क्या गवर्नमेंट कभी खर्चा कम करे ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बैलेंस्ड लेवल होता है, उस बैलेंस्ड लेवल से बहुत बढ़ा दिया था, उससे थोड़ा सा पीछे ले आए, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्शन ही कर दी। तो एग्जैक्टली हमेशा थोड़ा सा कम कर देने को कॉन्ट्रैक्शन ही कहेंगे। ये टेक्निकली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ा के थोड़ा कम किया है, एक्चुअली हर साल के साल हम देखते चले जा रहे हैं कि पिछले साल एक बैलेंस था, उस बैलेंस से भी इस साल कम हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ही कहलाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन इन जनरल आपके लेवल पे जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर पिछले साल के मुकाबले पे किसी चीज़ पे कम करेगी तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन की है इन्होंने। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा किसी साल पे पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाएगी तो हम कहेंगे इन्होंने एक्सपेंशन की है। ठीक है, और इसको हम गवर्नमेंट के साल प्रेजेंट की जाने वाले बजट से आराम से देख के बता सकते हैं, या हम आपको नेक्स्ट टास्क देने वाले हैं अभी अभी। तो आपकी अगली टास्क ये है इस लेक्चर के एंड पे कि आप तलाश कीजिए पिछले पिछले 10 साल में या 15 साल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनरी थी या कॉन्ट्रैक्शनरी थी, और गवर्नमेंट के कौन से खर्चे हैं जिनके बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी।
गवर्नमेंट के जो है वो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए लोन वापस करने के, तो लोन वापस करने से कौन सी डिमांड क्रिएट होगी, कौन सी प्रोडक्शन बढ़ेगी? नहीं, गवर्नमेंट के कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो बढ़ने से एक्सपेंशन होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी को सर्च करना है आपको। पिछले 15 सालों के, 10 सालों के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, चर देखना है हमारी गवर्नमेंट का कि हर साल कितना हुआ और हर साल पिछले साल से बढ़ा कि कम हुआ, और बढ़ा तो कितने परसेंटेज से बढ़ा, कम हुआ तो कितने परसेंटेज से कम हुआ। ये डेटा ज़रा आप निकालिए तो आप देखेंगे कि हमारे मुल्क की जी जो था वो एक्सपेंशनरी था या कॉन्ट्रेक्शनरी था। अब बड़ा इंटरेस्टिंगली, एक तरफ जी तो एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रेक्शनरी होता है, दूसरी तरफ टैक्स जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो डिपेंड करता है कौन सा टैक्स बढ़ा रही है। अगर उसने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया तो कंजम्पशन नीचे आ जाएगी, तो टैक्स का बढ़ाना जीडीपी को गिरा सकता है। अगर उसने कंजम्पशन पे टैक्स लगा दिया तो जीडीपी पीछे आ जाएगा, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और अगर उसने जो है वो प्रोड्यूसर पे लगा दिया तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई पीछे आ जाएगी। दोनों सूरतों में टैक्स बढ़ाने से जीडीपी कम होता है, उससे जो है वो सारे इम्पैक्ट होते हैं, प्रोडक्शन कम होती है, या तो प्रोडक्शन डायरेक्टली कम होता हो जाती है प्रोड्यूसर पे लगा, या डिमांड कम होती है, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जीडीपी कम होने का हमेशा ही नतीजा निकलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती कहानी। और यकीनन प्राइसेस, प्राइस लेवल थोड़ा सा नीचे आता होगा, लेकिन अगेन इस सिचुएशन में जबकि जीडीपी कम हो रहा है, नेशनल इनकम कम हो रही है, यहाँ पे प्राइस लेवल नीचे जाने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट फ़ायदेमंद नहीं होता। तो टैक्स बढ़ाना एक कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी है, तो टैक्स कम करना या सब्सिडीज देना एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। आपको गवर्नमेंट ने कहा आप बिजली का बिल देते थे 1 लाख रुपए, आपको 50,000 की सब्सिडी मिल रही है, आप बिजली कंज्यूम करना बढ़ा देंगे, अरे वाह सस्ती हो गई बिजली हमारे लिए। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम करे या सब्सिडी दे तो ये कहलाती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि गवर्नमेंट ने एक तरफ अपना जी बढ़ाया, उससे एक्सपेंशन हुई, एक तरफ अपना टी बढ़ा दिया, उससे वापस कॉन्ट्रेक्शन हो गई। तो अब ये देखा जाएगा कि जी कितना बढ़ाया, टी कितना बढ़ाया, इसका इम्पैक्ट कितना था, इसका इम्पैक्ट कितना था, और फिर बाज़ चीज़ों का मैनीफोल्ड इम्पैक्ट होता है। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड बना दी। अब एक रोड बनाने से सिर्फ सीमेंट की डिमांड नहीं बढ़ी, सिर्फ मजदूर की डिमांड नहीं बढ़ी, बल्कि रोड बनाने से लोगों की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, लोगों सप्लायर के लिए चीज़ों को सप्लाई करना सस्ता पड़ने लगा, ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्ट करना सस्ता पड़ने लगा। ओवरऑल इकोनॉमी में ये वाला जी बढ़ाने से जो गवर्नमेंट ने रोड बनाई बनाई थी, शॉर्ट रन में डिमांड भी बढ़ी और उससे सप्लाई भी बढ़ गई, तो इकोनॉमी ओवरऑल बड़े अच्छे बूम में चली गई। इसको बनाने के लिए जो उन्होंने टैक्स लगाया था उससे जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा बैकवर्ड, वो इतना बड़ा बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल इसमें हम देखेंगे कि एक्सपेंशन ज़्यादा हुई कॉन्ट्रेक्शन से, गवर्नमेंट का जी बढ़ा था एक्सपेंशन हुई थी, टैक्स बढ़ा था कॉन्ट्रेक्शन हुई थी, लेकिन जी का एक्सपेंशन टी के एक्सपेंशन से कम थी, टी के कॉन्ट्रेक्शन से कम थी। तो इट डिपेंड्स से गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कहाँ किया है उसके हिसाब से वो टैक्स के को बैलेंस करती है। इसलिए हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप अपनी ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर हैं वो दो जगह कीजिए, एक माशरे से हार्मफुल चीज़ों को ख़त्म करने में, और पब्लिक को वो गुड्स प्रोवाइड करने में जो वो ख़ुद अपने लिए प्रोवाइड करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, पब्लिक सर्विसेज हैं, डिफेंस है। और दूसरा ये इनक्वालिटीज़ कम करें किसी तरह से, और दूसरा है कि आप एक्सपेंडिचर कीजिए डेवलपमेंट करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन दो चीज़ों पे आप खर्च कीजिए और बाकी फजूल चीज़ों पे खर्चे ना कीजिए। उसके लिए अगर आप टैक्स लगाएंगे तो ओवरऑल पूरा मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, तरक्की करेगा, डेवलप होगा, ठीक है भाई, ये बात समझ आती है? तो मैंने आपको समझाया कि फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होने के दो एंगल्स हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा हम कहेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, इफ जी इज मोर देन इंक्रीज इन टी, या इम्पैक्ट ऑफ जी इज मोर देन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन टी, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ जी से जीडीपी बढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ टी से जीडीपी कम हुआ, लेकिन बढ़ने का इम्पैक्ट ज़्यादा था, कम होने का कम था, तो हम कहेंगे एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी बजट की पॉलिसी होती है, और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिससे जीडीपी बढ़ रहा है। अच्छा जी,
अब फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट अपने मुल्क का जीडीपी बढ़ाने कम करने, प्राइसेस बढ़ाने प्राइसेस कम करने, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने, बढ़ाना तो कोई भी नहीं चाहता, के लिए अपने जीडीपी के कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन की पॉलिसी के लिए फिस्कल पॉलिसी को जब यूज़ कर रही है गवर्नमेंट यानी जी और टी का इस्तेमाल कर रही है, तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में बहुत सारे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। एडवांटेज क्या है फिस्कल पॉलिसी का? फिस्कल पॉलिसी का एडवांटेज ये है कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीज़ें दिखा सकती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने अचानक से कहा हम जो है वो इस महीने से बिजली के बिल कम कर रहे हैं, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है क्योंकि टैक्स रिड्यूस कर दिए इन्होंने, इसका एकदम से लोगों में बड़ा खुशहाली सी महसूस होगी लोगों को। लेकिन भाई अगले साल ये पैसे जो तुमने बिजली के बिल रिड्यूस किए हैं इसके पैसे पे कौन करेगा? अगले साल एक्स्ट्रा टैक्स लगा के वापस लेने पड़ेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट रन में तो इसका एडवांटेज बहुत होता है, लॉन्ग रन में इसका एडवांटेज सिर्फ तब होता है, शॉर्ट रन में एडवांटेज ओनली ओनली शॉर्ट रन में कब होता है? व्हेन ऑन कंजम्पशन बेस्ड बेस्ड एक्सपेंस हो। गवर्नमेंट ने ऐसे खर्चे करना शुरू कर दिए, ऐसा जी बढ़ा दिया जिससे गवर्नमेंट की कंजम्पशन बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने कहा इस साल हम बहुत पेपर प्रिंट करेंगे, बहुत पेपर प्रिंट करेंगे, बहुत ज़मीनें किराए पे लेंगे, बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन अगले साल वो खर्चा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। तो शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा होगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही फ़ायदा होगा अगर गवर्नमेंट सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, लेकिन लॉन्ग रन में फ़ायदा ज़्यादा उस खर्चों का होगा गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करे। हो सकता है एक पुल बनाने में 5 साल लग जाए, एक अच्छी रोड बनाने में 6 साल लग जाए, तो खर्चा उस वक्त हो रहा होगा, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उस पर आ रहा होगा कि जी सीमेंट की डिमांड बढ़ी हुई होगी, लेबर को पैसे अच्छे मिल रहे होंगे। और आपको पता है गवर्नमेंट के पास ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि एक एक प्रोजेक्ट से 10 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक डैम बनाने का फैसला कर लिया गवर्नमेंट ने, एक डैम बनाने में बहुत बड़ी मल्टीपल लेवल्स पे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ती हैं। सबसे पहले डायरेक्ट वो लोग जो कि डैम पे काम कर रहे थे, फिर वो लोग जो कि सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे थे क्योंकि सीमेंट चाहिए होगी, फिर वो लोग जो कि सरिया की फैक्ट्री में काम कर रहे थे क्योंकि सरिया चाहिए होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किए जाने वाले एक्सपेंडिचर से लॉन्ग रन में गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी पे अच्छा एडवांटेज हासिल कर लेती है। तो शॉर्ट टर्म एडवांटेज गवर्नमेंट को हासिल हो जाता है, पॉलिटिकली वो फायदे में रहती है अपने फिस्कल पॉलिसी की मदद से, और लॉन्ग रन भी मुल्क को तरक्की दिला सकती है गवर्नमेंट अगर फिस्कल पॉलिसी का करेक्ट इस्तेमाल किया जाए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाए, उसको एजुकेशन पे खर्च किया जाए, हेल्थ पे खर्च किया जाए, लोग सेहतमंद होंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और उसको इनइक्वालिटीज दूर करने पर खर्च किया जाए, इससे क्राइम कम हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं जी, कुछ फिस्कल पॉलिसी के प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? फिस्कल पॉलिसी जो है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पूरा गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए होती है, जो फाइनेंस में की मिनिस्ट्री है वो हर साल का तखमीना लगाएगी, करोड़ों लोगों से टैक्स वसूल करना है, महीने का, साल का, दिनों का, कहाँ से टैक्स, कहाँ से टैक्स, फिर खर्चा करने के लिए लोगों को हायर करना, वो बेईमानी तो नहीं कर रहे, वो चोरी तो कर नहीं कर रहे, ये पुल बनाने जा रहे हैं, वो सड़क बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे बस बन रही है, वहाँ पे बिजली का कारखाना वो लग रहा है, प्रोडक्शन हाउस लग रहा है, वहाँ पे सोलर पैनल खरीदे जा रहे हैं, पता नहीं इतने। गवर्नमेंट जब खुद कूद पड़ती है अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एंगेज होगी उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत कम्बरसम हो जाएगा। कम्बरसम कहते हैं बहुत मुश्किल जिसको के अप्लाई करना हो। तो फिस्कल पॉलिसी इज़ अ कम्बरसम जॉब, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, इट्स अ जॉब दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मैन आवर्स। ठीक है, कम्बरसम। ठीक है, दूसरा ये कि जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, ये टेक्निकल टर्म है इसको समझ लीजिएगा। गवर्नमेंट ने कहा इस साल हम 50 ब्रिजेस बनाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, टैक्स से पूरे नहीं हुए, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, उससे पूरे नहीं हुए, गवर्नमेंट ने बैंक्स को बॉन्ड्स इशू कर दिए, बॉन्ड्स इशू कर दिए
और उससे मार्केट से लोन उठा लिया। सारे बैंक चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को ही लोन दें क्योंकि वो सिक्योर होता है, ये बात हमने की आपसे पहले। तो जब गवर्नमेंट्स के सिक्योर लोन लोग हासिल करने जाएंगे तो जब एक फैक्ट्री वाला पहुंचेगा मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, तो बैंक कहेगा पैसे नहीं बचे हमारे पास। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। प्राइवेट इन्वेस्टर डजंट फाइंड इनफ मनी टू इन्वेस्ट, लो बैंक उसको लोन ही नहीं दे रहे होते क्योंकि, या बहुत महंगा लोन देने लगते हैं कि नहीं भाई हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसे देने के लिए बहुत आसानी से ऑप्शन मौजूद हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंगेज होना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। अच्छा, इंटरनेशनली भी ये पसंदीदा नहीं है, गवर्नमेंट बिजनेसेस करना शुरू कर दे, गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाए फिस्कल पॉलिसी के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल गेन्स बहुत अच्छे होते हैं फिस्कल पॉलिसी से, ये एक तो मानने की बात है। इसी तरह से वर्कर्स पे फिस्कल पॉलिसी जितनी हैवी होगी, और अगर उसका लॉन्ग रन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस नहीं किया उसको आपने, तो ओवरऑल पब्लिक जो है वो बर्डन होगी, वो फील करने लगेगी कि इन लोगों के मज़े पूरे करने के लिए हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं और हमें तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, ना हमारी बिजली सस्ती हो रही है, ना हमारा पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ना हमारा कोई आसाइश मिल रही है, ना सड़कें अच्छी हो रही हैं, ना पोल्यूशन कम हो रही है, ना कोई हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो रही है, ना एजुकेशन अच्छी हो रही है। तो पब्लिक ये फील करने लगेगी, अगर रिजल्ट्स लॉन्ग रन में नहीं देना शुरू किया आपने तो पब्लिक उससे बर्डन फील करेगी कि इतने पैसे हमसे काट रहे हैं, इससे अच्छा हम अपना खुद ही कुछ कर लेते। तो फिस्कल पॉलिसी इज फेल्ट एज अ बर्डन बाय द पब्लिक। और जब गवर्नमेंट जी बढ़ाती है तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने, ये मार्केट में नॉर्मल डिमांड सप्लाई चल रही है सीमेंट की फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अपने रोड प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, डैम प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, सबको पता है कि अब गवर्नमेंट अगर प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है ऑटोमेटिकली जहन में होता है अब पैसे, महंगाई हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने जब डैम बनाना है तो लाखों बोरियाँ सीमेंट की ले जाएंगी, सीमेंट महंगी होने वाली है। जो चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएँ, वो बहुत बड़ा मसला है। इन्फ्लेशन एक्चुअल हो जाने से ज़्यादा बड़ा मसला है एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों? इससे शुरू हो जाती है होर्डिंग। अगर आपके पास एक चीज़ पड़ी हो जो आज 100 रुपये की, आपको लगता हो कि 2 हफ्ते बाद 200 की हो जाएगी, आप कहेंगे मैं ये तो नहीं बेचूंगी। सीमेंट के कारखाने वालों को पता चल गया है गवर्नमेंट ने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, उसमें बहुत सीमेंट चाहिए होगी, वो अपनी सीमेंट की मौजूदा बोरियाँ भी रोक लेंगे कि जब महंगी हो जाएंगी फिर बेचेंगे। तो हर वो चीज़ जब गवर्नमेंट किसी चीज़ में एक्सपेंशनरी पॉलिसी अनाउंस करती है, एक साल लगेगा, ज़ाहिर है 2 साल 5 साल लग जाते हैं बाज़ औक़ात उसकी इम्प्लीमेंटेशन होते हुए, लोगों को पहले से पता चल जाता है, ज़ाहिर है अनाउंसमेंट होती है पॉलिसी की हर साल, तो लोग फिर उस एरिया में होर्डिंग शुरू कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ती है और नतीजतन होर्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये पूरी इकॉनमी में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। तो बहरहाल फिस्कल पॉलिसी के कुछ रुख थे, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रेक्शनरी, और उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं और उससे होने वाले इम्पैक्ट्स हमने डिस्कस किया। ये पूरा टॉपिक मिलके 4.3 कवर करता है। तो यूँ हमने 4.3 टॉपिक ब्रायन टेटली का कवर किया, जिसमें हमने फिस्कल पॉलिसी को अच्छी तरह से देखा, बहुत इन डेप्थ देखा, टैक्सेस को भी देखा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी देखा, और उसके इम्पैक्ट एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रेक्शनरी GDP पे किस तरह से होते हैं ये भी समझे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी का है, तो आप पहले इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, फिर हम जब तक मॉनेटरी पॉलिसी आपके सामने लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।